नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। इंदौर में G20 समिट के आखिरी दिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश प्रसारित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अगले 4-5 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। ग्लोबल मैनेजमेंट एडवाइजरी फर्म मैकिन्स ने घोषणा की है कि न केवल वर्तमान दशक बल्कि सदी भी भारत की है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नज़र रखने वाली संस्थाओं ने भारत पर अभूतपूर्व भरोसा जताया है। पीएम मोदी ने वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली का हवाला देते हुए कहा, आज दुनिया भर के ज़्यादातर इन्वेस्टर्स भारत में निवेश करना पसंद करते हैं। भारत को रिकॉर्ड तोड़ FDI मिल रहा है। हमारे बीच आपकी उपस्थिति भी इसी भावना को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा, सही इरादों के साथ चलने वाली सरकार देश में विकास को गति देती है। उन्होंने 100% FDI की अनुमति देने, आर्थिक गलतियों को सुधारने और निवेश के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दर्जनों श्रम कानूनों को 4 कोर्ट में कैटेगराइज किया है। यह अपने आप में एक बड़ा कदम है। हम नए भारत की पहचान बना रहे हैं। भारत स्मार्टफोन डेटा खपत, ग्लोबल फिनटेक और ITBPM आउटसोर्सिंग वितरण में प्रथम स्थान पर है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।